तो मैंने जैसे आपको पिछले दो स्लाइड्स दिखाई उसमें यह था कि जो जो प्रोडक्ट जो रेजरवाइ जो थे ना उनकी जो लिस्ट देखें उसमें ऊपर नाम चार पांच में से कहीं भी यूनाइटेड स्टेट्स का नहीं आता था लेकिन अगर आप प्रोडक्शन देखें तो उसमें नंबर वन जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स का और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है गुज्त पंद्रह बीस साल की बात है ये और उसकी वजह क्या है ये फ्रैकिंग फ्रैकिंग में ये होता है कि Uh, इसको मतलब हाइड्रोलिक फ्रैकिंग कहते हैं हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग जैसे मैंने पहले बताया था कि आ, ये जो प्लेंगटान से जो तेल बनता है ना वो छोटे छोटे जो खा जमा जमा होते हैं वो अगर कोई जियोलॉजिकल प्रेशर हो तो उसको कंडेंस कर सकते हैं और फिर वहाँ से वो तेल निकल आता है इसी तरह गैस के साथ भी होता है वो छोटी छोटी पाकिट्स बनती हैं अगर कोई हाइड्रोलिक कोई जियोलॉजिकल प्रोसेस हो तो वो जमा हो जाती हैं एक साथ गैस के ऊपर बल्कि हमेशा ज़्यादा जमा होती है वहां से निकाल लेते हैं तो ये जो मतलब ये कि सारी गैस से नहीं निकल आती वो कुछ गैस होती है वो ज़मीन में रह जाती है ज़मीन में कहाँ रहती है अगर वो सैंड में है तो सैंड के अंदर तो वो सारा आ, आ, क्योंकि सॉफ्ट होती है सैंड तो वो डेंसिटी इतनी नहीं होती कि वो गैस को रोक सके वो गैस ऊपर आ जाती है वो जो गैस जो बचती है ना नीचे वो सारी वो बेड रॉक में जो बचती है अब हमारे अब ज़मीन में अगर जाए अब सौ मीटर नीचे यहाँ से तो एक बेडरॉक है ठीक है सो सौ, सौ मीटर तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं शायद कमी हो कुछ क्योंकि ये सारी जो आपने ऊंची ऊँची बिल्डिंगें देखी है ना उनकी जो जो वो प्लिन जो है वो बेडरॉक से अटैच है ताकि वो फिर गिरे ना तो वो बेडरॉक जो है उसके अंदर जो गैस है वो वो गैस है जिसको निकालते हैं इस प्रोसेस से हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग उसको आमतौर पे कोलोकियली फ्रैकिंग कहा, कहा जाता है अब इसका मतलब ये हुआ कि फ्रैक्चर करना है वो जो बेड रॉक है उसको तोड़ के उसमें से जितने भी छोटे 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 वो जखीर हैं गैस के उनको सक करेंगे जैसे वैक्यूम एग्जैक्टली जस्ट लाइक वैक्यूम राइट सो वो अब उसका क्या मसला क्या है मसला ये कि पहले तो आपको नीचे जाना है सीधे सीधे ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है ये जब से हमने तेल डिस्कवर किया है सौ डेढ़ सौ साल पहले उस वक्त से ये टेक्नोलॉजी चलती आ रही है उसको नीचे जाने वाली प्रॉब्लम कोई नहीं है क्योंकि उससे अफेक्ट सिर्फ उतना ही पड़ रहा है जितना वो पाइप का बोर है उसके बाद नीचे जाने से ये तो सिर्फ इतने सारे इतने से रॉक पे बात आई ना पत्थर पे वो जो गैस है वो तो सब आगे पीछे एक एक मील इधर एक एक मील इधर तो अब यहाँ से जो पाइप टर्न लेगा उसके बाद वो जो रॉक जो है उसको तोड़ना शुरू करेगा वो रॉक रॉक तोड़ेंगे हाइड्रोलिक फ्रैक्चर से मैं बताता हूँ उसको कैसे करते हैं तो वो फिर वो तोड़ के सारा रॉक चलता रहेगा अब वो उसका बड़े प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि उसको तोड़ें कैसे अब वो ये तोड़ते हैं पानी के प्रेशर से एक एक वेल के लिए जो कि ज़्यादा नहीं चलता एक साल चलेगा दो साल चलेगा ख़त्म हो जाएगा एक से लेके दस मिलियन गैलन पानी की जरूरत एक से लेके दस मिलियन गैलन पानी की अब वो पानी क्या है उसको फिर प्रेशराइज करना पड़ता है इतना प्रेशर कि पानी से वो पत्थर टूट जाए ये तो नहीं कि वहाँ कोई नीचे बैठ के थोड़ा चला रहा है वो तो एक पाइप है उसके अंदर पानी इतने प्रेशर से आता है कि वो बिल्कुल टूट जाता है अब वो पानी अगर सिर्फ पानी रहे तो कोई मसला नहीं है मसला ये है कि अब वो नीचे पाइप दो साल तक के पड़ा है ना अब उसको ये भी करना है कि कहीं वो ख़राब ना हो उसके लिए फिर पेस्टिसाइड ये वो बहुत सारे केमिकल्स हैं जिनकी एक लिस्ट है जब मैं आपको दिखाऊंगा और उसमें क्या क्या, -क्या चीज़ें हैं और क्या क्या, -क्या चीज़ें नहीं हैं वो बड़ी गलत बात है उसमें मसला सिर्फ ये है कि अब लोग इतने इस पर ज़्यादा आवाज़ क्यों नहीं करते उसकी वजह यह है कि जो केमिकल इसमें डालते हैं वो सिर्फ एक फ़ीसद से कम तक के होते हैं निन्यानवे फीसद पानी उसमें एक फीसद से कम chem केमिकल्स लेकिन आप अंदाजा करें अगर 10 मिलियन गैलन पानी होगा तो उसमें अगर एक फीसद भी ये केमिकल हो तो कितने सारे गैलन उसमें हो जाएंगे अब मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा फिर आप तस्वीर करें कि उसमें अच्छा केमिकल्स कौन सा है बुरा केमिकल्स कौन सा है तो पहले देखें कि ये प्रोसेस होता है कैसे ट्रैकिंग का तो ये अमेरिका में ये जो शेल शेल वो बेड रॉक की बात कर रहा हूं जिसमें शेल वो है जिसमें से जो कि प्लैक्टॉन और पुरानी चीजें जो है ना उससे जिससे गैस और तेल बनाए वो चीज़ों का रॉक जो है वो नीचे उसको शेल कहते हैं अब ये मुख्तलफ कस्म के शेल्स हैं गैस शेल जो अमेरिका में पाए जाते हैं पाकिस्तान में भी हैं पाकिस्तान में बहुत सारे हैं लेकिन इंटेंशनली अभी उसको ओ जी डी सी ने कहा है कि हम इस पर काम नहीं करेंगे लेकिन ये सब देखें ये सबसे बड़ा जो राइट हैंड साइड पर आपने देखा पेंसिल्वेनिया शेल है तो वो सारे पॉकेट्स उसको ये आजकल डिस्कवर कर रहे हैं अब ये पाकिस्तान की देख लें कितने सारे सिंध और कैबर पख्तूनखान में भी हैं और इसके अंदर ये देखें आप उसका तखमीना लगा लें कितना है अब मैंने उसको कैलकुलेट किया है कि सुई की प्रोडक्शन कितनी है और जो हमारे पास ये 300 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे तक के है ना और ये 51 मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ शेल रिजर्व ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ शेल रिजर्व अब आप उसको देख लें कितने साल चलेंगे तो ये तो बहुत सारे सौ सा, साल से ज्यादा की बात बन गई ना यहाँ पे लेकिन वो उसके नुकसान हैं जिसकी वजह से चाहे कोई पॉलिटिकल वजह जिसकी वजह से काम नहीं कर रहे हैं या जो भी है जब तक उसको छोड़ देंगे वो अच्छी बात है लेकिन यह हैं जखायर हमारे पास भी अब ये एक ये देखें। उसमें सबसे बड़ी बात नोट करने वाली ये है कि सारे जो दरख्त हैं उसके आसपास बिल्कुल सफाई कर दी गई है सारे दरख्तों को काट दिया गया तो उसका अपना एकोलॉजिकल प्रॉब्लम के वो अब दरख्त नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिसाइकिल कैसे होगी उसके बाद यह ड्रिल करके ये पूरा ये रिग लगाइए और रिग से अंदर नीचे जाके फिर राइट या लेफ्ट साइड पे जाके पत्थर तोड़ते हैं अब ये हर हर मतलब ऐसा है कि छोटे छोटे शहर हैं उनके पीछे घरों के पीछे वो उन्होंने पूरा रिग लगाया हुआ है तो वो उस बिल्कुल करीब आ गई है रिहाइश के यहाँ पे तो इसकी बात कर रहा था जो नीचे सीधा जाते हैं फिर राइट पे जाके उस पत्थर टूटा उसमें से गैस निकली उसको उन्होंने सक कर लिया अब वो सारी गैस तो शक नहीं हो गई वो गैस जो है वो बाकी जो राइट साइड पे एरो देख रहे हैं वो ऊपर जो जा रहा है उससे यह हुआ कि वो बाकी जो गैस जो शक नहीं हुई थी वो ऊपर गई ऊपर क्या है पानी है वो पानी है जिसे हम जिसे हम इस्तेमाल करते हैं पानी के जख़ीरे जो ज़मीन के अंदर होते हैं कुएं खोद के जो पानी निकलता है अब उसमें पानी के अंदर गैस चलेगी तो वो आप उसको पानी निकालेंगे तो पानी के साथ गैस भी आएगी आखिर में आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा कि पानी के साथ गैस भी आ रही है तो उसके बहुत सारे नुकसान आते हैं तो और उसके अलावा जो मैंने आपको बताया ना जो केमिकल इस्तेमाल किया जाता है उसका लॉ तो रेगुलेशन तो ये है कि वो सारी पानी को निकाल के ऊपर आप ले आएँ और फिर उसको किसी तरह डिस्पोज करें उसको डिस्पोज कैसे करते हैं साइड में एक पाउंड बना के उसमें छोड़ देते हैं सारा पानी जब वो खुश्क हो जाता है तो पाउंड बंद कर देते हैं अब बारिश हुई कुछ हुआ वो सारे केमिकल से दोबारा लीच आउट हो जाएंगे ना तो बहुत सारी उसकी केमिकल प्रॉब्लम उसके साथ होते हैं ये सारी चीज़ें हैं ये फ्रैकिंग के साथ सारे इशू के लैंड राइट्स किसकी की है अब वो एक गरीब आदमी को ये उससे कहें जी हम आपके घर के इतने पैसे देते हैं आपको म, म, वो, एक कुआं खोदने तो वो कहेगा ठीक है खोद लें लेकिन उसके फिर जितने प्रॉब्लम होते हैं पोल्यूशन वगैरह के एयर पोल्यूशन ग्राउंड वाटर पोल्यूशन ये देखते जाएं सारी कितनी सारी चीज़ें हैं लेकिन वो चूँकि वो सिर्फ एक फीसद है तो इस वजह से ज़्यादा उनको बताना नहीं पड़ता कि केमिकल्स कितने कितने ज्यादा जरूरी है अब ये इन इनकी वजह से कई जगह अमेरिका में बिल्कुल बैन हो गई है जितने भी रेड आपने देखी ना इलाके न्यूयॉर्क स्टेट वहां पे बिल्कुल नहीं कर सकते फ्रैकिंग और बाकी जगहें है जहां जहाँ पे स्पेशली जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं ना वहां पर इन्होंने बहुत कम कर दिए कैलिफोर्निया वगैरह के अंदर ये इसी परेशानी की वजह से ये देखें कि ये गैस आ, पानी आ रहा है और पानी के साथ गैस भी साथ में चली आ रही है अब आप कहेंगे ये तो भाई मुफ्त की बात है मुफ्त में गैस आ रही है लेकिन ये तो सिर्फ पानी के लिए था ना पानी के लिए नलका रहा उस खोला उसमें से गैस आ गई तो फिर बात क्या हुई उसकी जो आ, जो आ, फिजिकल डे, डेंजर्स जो हैं सेफ्टी इश्यूज जो है केमिकल इश्यूज जो हैं वो सारे बह, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं इस सिलसिले के अंदर और एक ये छोटी सी लिस्ट मैंने बनाई है ये, ये कोई पाँच से ज़्यादा केमिकल्स हैं अब इसमें आप देख लें कितने भी जो बेंजीन जहाँ भी लिखा होगा ना वो यकीन कैंसर कॉजिंग होगा अगर वो जरा सा भी छोटा सा भी मकदार में हो ना अब वो अगर एक साल तक के उसका एक्सपोजर आप लोगों को जो आस पास रहते हैं जो बच्ची खेल रही थी तो वो उसके लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना तो ये सारी लिस्ट जो है पूरी आप अगर उसके वेबसाइट पे जाए तो पूरे पाँच सौ केमिकल की लिस्ट देखेंगे